नमस्कार, मैं हूं विवेक गुप्ता और आपका स्वागत है ग्लोबल नॉलेज वर्क के इस चैनल पे। और जैसा कि आप जानते ही हैं, स्टडी अब्रॉड में हम सुपर प्रीमियम, प्रीमियम और एवरेज हर यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, जैसा स्टूडेंट, जैसा प्रोफाइल, जैसा फैमिली बैकग्राउंड। और मेरे साथ आज है अमन, और अमन का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर आपने देखा होगा, मैं वीडियोज़ नहीं बनाता, बट एक होता है ना, कैसे यू नो वी एज ए करियर काउंसलर गो स्लोली एंड स्टडीली। और मैं चाहूँगा कि वो सर अमन ही बोले। और अमन का मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूँ कि अमन का छोटा भाई को हमने पहले MBBS इंडिया में हेल्प किया था काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, 2 साल पहले 2021 बैच में, और वो JLN बेलागावी में पढ़ रहा है, और 2023 में वो थर्ड ईयर में आ गया है। और तब से एक फैमिली रिलेशन हो गए जो हमारे तकरीबन हमारे हर क्लाइंट्स हो जाते हैं। तो जब इसका टाइम आया MBA करने का, आई विल नॉट से बाहर जाने का, MBA करने का, 1 साल पहले ही हमारे पास पापा इसके लेकर आए। और तब ये थर्ड ईयर ख़त्म कर रहा था, और बिल्कुल जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करनी है, दैट वॉज़ दी ओनली यू नो बैकग्राउंड एट दैट टाइम। और बिल्कुल भी शायद हमने सोचा भी नहीं था कि हम बाहर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचा, राइट? हमने तो ये सोचा था कि इंडिया में कैट के कॉलेजेस के थ्रू जो बेस्ट टॉप 10 कॉलेजेस होंगे उसमें हम एडमिशन लेंगे। टारगेट भी हमारा शुरू में वही था, जैसे मैं 1 ईयर पहले आया था आपके पास मिलने के लिए कि क्या प्रोसेस होगा सर, मैं इस कॉलेज में लेना चाहता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ। जैसे मैं स्विच भी कर रहा था उसमें भी आपने काफ़ी हेल्प कर रहे थे मेरे की, अब ऐसे इंटर्नशिप आपने करी है कि तो बेटर रहेगा, तो मैंने करी भी थी, ऐसा आपने बताया था, पहली बात हो गई थी हमारी उस बारे में भी। तो कैट के थ्रू मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे कॉलेज उस लेवल के नहीं मिले थे मेरे को जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग होने चाहिए थे, या मेरे लेवल के होने चाहिए थे हमारी नॉलेज के हिसाब से। तो उसके आधे आगे जब बात करते रहे हम, तो फिर आपसे आगे बातचीत हुई, सर के साथ मेरी बातचीत हुई, सर ने मेरे को काफ़ी हेल्प करा कि हम आगे कैसे जा सकते हैं और बेटर नॉलेज लेना, तो हम इंडिया से बाहर जाना चाहिए हमें, राइट? और बाहर सिर्फ किसी भी कॉलेज में नहीं लेंगे हम, टॉप कॉलेजेस में टारगेट रहेगा हमारा। और बाकी ये नहीं कि हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, जो हमारे लिए बेस्ट होगा और जो टॉप 10 या टॉप 20 कॉलेजेस होंगे वर्ल्ड में, उसी में एडमिशन लेंगे। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने प्रोसेस शुरू करा, फिर IELTS की तैयारी भी करवाई थी सर आपने मेरे को, जो काफ़ी अच्छी कोचिंग सेंटर थी, वो भी मैम ने काफ़ी हेल्प करी थी, और ड्यू टू आपके वजह से भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब पर्सनली मेरे को लिया था कि हाँ इस बच्चे को अच्छे से ध्यान देना है। फिर मैम ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, IELTS हमारा क्लियर हुआ, फिर सर ने मेरे कई सारे कॉलेजेस में भरे थे और सभी कॉलेजेस के रिप्लाई आ गए थे नॉर्मली, हमारे पास सबके ऑफर लेटर आ गए थे, सबके ऑफर लेटर आ गए थे। तो उसमें से हमने जब सिलेक्शन किया, हमारा टॉप प्रायोरिटी वैसे भी क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी ही थी हमारा, राइट? और जब हमारे पास वो आ गया तो हमने सोचा अब इससे बेटर और क्या चाहिए, हमने फिर वेट भी नहीं करा किसी का, सबसे पहले उसकी पेमेंट कर दी हमने, राइट? बुकिंग सीट कर ली हमने, उसका एकोमोडेशन वगैरह अपना चलता रहा, राइट? लेकिन जो चीज़ फंसी हमारी मेन बीटेक कॉलेज का, मैं भी आता हूँ तो पहले ये थोड़ा अमन इकट्ठे एक साल से बोल रहे हैं, तो आई विल टेक सम मोर टाइम। तो जैसा मैंने कहा कि 1 साल पहले ही इज़ अ बीटेक स्टूडेंट, बीटेक मैकेनिकल फ्रॉम अग्रसेन IP यूनिवर्सिटी। और ऐसा कहना कि जब ये मेरे पास आया थर्ड ईयर के बाद, एंड ही इज़ अ सन ऑफ ए वेरी गुड इंडस्ट्रियलिस्ट, और उनकी मुझे तारीफ करनी चाहिए, मैं इवन इसे पापा को पापा जी दिल से बोलता हूँ, और बड़े सेल्फ मेड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो, और वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की समझ लीजिए प्रोडक्शन यूनिट चलाते हैं, एयर वॉल्व बनाते हैं, नहीं मैकेनिकल सील, मैकेनिकल सील बनाते हैं, राइट? बहुत बड़ी प्लांट है उनका साहिबाबाद में, और इसने तभी बीटेक मैकेनिकल करा। बट हमने पहले ये बात करी 1 साल पहले कि तू MTech करे या MBA करे, और बिल्कुल एक मिलके डिसाइड हुआ कि BTech की नॉलेज मैंने ले ली है, अब मैं MBA करना चाहता हूँ, ताकि मैं BTech प्लस MBA करके अपने इस बिज़नेस को या फ्यूचर में किसी और बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाऊँ। तो हमने पहले इसने कैट की तैयारी शुरू करी, और मैंने कहा तुझे चूँकि तू BTech मैकेनिकल था, आई हेल्प्ड हिम टू गेट कपल ऑफ इंटर्नशिप्स, और पिछले साल के मई से, जैसे 2022 मई से लेके 2022 नवंबर दिसंबर तक हमने कभी अब्रॉड का सोचा भी नहीं। द ओनली आइडिया वॉज कि कैट NMAT ZAT, और ये बहुत क्लियर है जो मैं इसको और शायद सभी बच्चों को कहता हूँ कि हर MBA नहीं होता। तो हमने शायद उसी मीटिंग में ही एक लिस्ट, एक कागज़ में 35 कॉलेज लिख लेते, 10 भी नहीं, कि जिसमें भाई 15 IIM हो गए, XRI हो गया, FMS दिल्ली हो गया, MDA गुड़गांव, SP जैन, कि भाई इनमें मिलेगा तो हम बेशक इंडिया में पढ़ेंगे। जैसा इसने कहा, अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ स्कोर, एंड इमीडिएटली वी डिसाइडेड टुगेदर कि चूंकि इसमें नहीं हुआ है तो अब हम बाहर जाएंगे, और बाहर जाने के लिए बिकॉज ही बिलोंग्स टू ए फैमिली कि इसको कोई परमानेंट PR नहीं चाहिए, तो ही ओनली वॉन्टेड अ गुड क्वालिटी एजुकेशन। मतलब ये शायद उस फैमिली से बिलोंग करता है कि वो जो 2 साल का वर्क वीज़ा है वो भी शायद इस्तेमाल नहीं करेगा, हिज ओनली फोकस इज़ टू गेट दैट बेस्ट एजुकेशन ऑफ 1 ईयर, एंड देन वी विल सी।
कि शायद वो यू नो चाहता हूँ यूरोप में ही नौकरी ना करके कोई अपने ही इंडस्ट्री का ही ब्रांच खोल लेगा वहाँ पे, या एक नया बिजनेस सेटअप करेगा, या अपने पापा के साथ मिलके कुछ करेगा. बट और मैं हमेशा कहता हूँ जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं उस पे डिपेंड करता है कि फिर आपको कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए. तो जब आपकी परमानेंट पीआर या 100% पीआर लेने की इच्छा नहीं है तो हम कनाडा क्यों जाएँ या हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्यों जाएँ. तो वेन अमन वॉज लुकिंग एट ओनली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आई थिंक क्योंकि हम लेट थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस से, उसके अलावा द बेस्ट पॉसिबल दैट वी कुड हैव गॉट वी हैव गॉट राइट. तो ये तो हो गया कि हमने फिर अप्लाई करना शुरू करा और सब कुछ अच्छा चल रहा था. हमें हर जगह से एक कंडीशनल ऑफर भी आ गया था और फिर बता कि कहाँ तू अटका अपने 8 सेमेस्टर में. तो सबसे मेन जो स्ट्रगल वाला पॉइंट आया अपने इस करियर जर्नी में वो ये था कि मेरा बीटेक का 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना था. तो एग्ज़ाम तो हमारा शेड्यूल जो हुआ था जून के फर्स्ट वीक में शुरू होना था, बट क्या हुआ कुछ नहीं पता, पोस्टपोन्ड हुआ, जुलाई के मंथ में गया वो. फिर एग्ज़ाम शुरू हुए, फिर ये हो रहा था कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हमारी प्रोविजनल डिग्री कब आएगी, और वो धीरे धीरे लेट होता जा रहा था धीरे धीरे हर चीज़ में. उसके बाद जब एग्ज़ाम शुरू हुए, लास्ट एग्ज़ाम से पहले फ्लड आ गया दिल्ली में. जब फ्लड आया तो पेपर पोस्टपोन्ड हो गया. लास्ट पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, मतलब सिर्फ एक दिन पहले पेपर पोस्टपोन्ड हुआ हमारा, राइट. अब मतलब उसमें लगा अब तो भैया और गया, अब पता नहीं कब पेपर कराएंगे, एक हफ्ते बाद कराएंगे, 10 दिन बाद कराएंगे, उतना ही लेट होना एग्ज़ाम में, राइट. रिजल्ट में भी एक लेट होगा. बट 10 दिन बाद दोबारा एग्ज़ाम हुए मेरे, एक सब्जेक्ट का रह गया था बस, लास्ट था वो मेरा. उसके बाद रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट लेकिन जल्दी दे दिया उन्होंने, ये चीज़ अच्छा करा बस आई पी यूनिवर्सिटी ने अच्छा करा, ये चीज़ इनके लिए ठीक था. चलो उसके बाद फिर ये हुआ, तो फिर हुआ कि प्रोविजनल कैसे लेके आए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मंथ एक मंथ तो लगता ही लगता है आराम से, 1 मंथ तो ये लोग लगाते ही लगाते हैं. फिर उसके लिए भागा दौड़ी करी हमने, सर ने भी काफ़ी हेल्प करी, सर ने बताया कि क्या क्या बात कर सकता है यूनिवर्सिटी में जाके और अपने कॉलेज में. फिर वो एप्लीकेशन वगैरह डाला हमने और उसके लिए वेट करा 10 दिन, उसमें भी लग गए प्रोविजनल आने में. प्रोविजनल आया, फिर ट्रांसक्रिप्ट भी ली हमने, उसके बाद फिर फाइल करा उन्होंने, जैसे सबमिट करा उनके पोर्टल पर, उसके मेरे को लगता 2-3 दिन बाद हमारे कैश का लिंक आ गया था. उसके बाद जब कैश का लिंक आया तो हमने उस पर सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे और सर ने और इनकी पूरी टीम ने पूरा पुश करा उन लोगों की जल्दी से जल्दी हमें कैश लेटर दे दें ताकि हम आगे वीज़ा भी फाइल कर सकें. तो इनकी हेल्प की वजह से, मतलब मेन सर ने पूरा मतलब डे नाइट पूरा लगा दिया था अपना कि कैसे उनको पुश करा जाए, कैसे उनके साथ लगा जाए कि जल्दी से जल्दी मेरे को कैश दे दें. तो मेरे साथ के जो ग्रुप में थे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे जो क्रैनफील्ड के स्टूडेंट से बात होती थी, उन लोगों का मंथ से अटका हुआ था कैश, मेरा सिर्फ 2 दिन में आ गया था. राइट, दो दिन में आ गया, मतलब अनबिलीवेबल था वो हमारे लिए. लेट मी टेल यू, देखिए जो फिर अमन छो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे अगर यूके की हम बात करें, ऐसे हर कंट्री की बात करें, मैं हमेशा कहता हूँ सबको अपने स्टूडेंट्स को कि हम वीज़ा की प्लानिंग डे वन से करते हैं. कई लोग क्या करते हैं, वीज़ा की प्लानिंग करते हैं जब अनकंडीशनल लेटर आ जाएगा. तो अमन को शायद जून में मैंने इसको स्पेशली बुला के अगेन ये उससे पापा आए और हमने डिसाइड कर लिया कि वो जो 28 दिन का स्टडी फंड्स होते हैं, तो हमारे फंड्स रेडी थे, बिल्कुल रेडी. हमारा टीवी टेस्ट हो चुका था, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी, डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी थे. तो जो जिस चीज़ को मैं एक प्राउड फील करता हूँ कि जब भी हमारे किसी भी स्टूडेंट का और खासकर इसका जिस टाइम कैश लिंक आया, उसके 2 घंटे के अंदर हम अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके होते हैं, क्योंकि हम सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार करके बैठे हैं. FD स्टेटमेंट्स, FD लेटर, सेविंग स्टेटमेंट, सेविंग लेटर, TB टेस्ट, अक्सर ये 6 चीज़ें चाहिए होती हैं. 2 घंटे में ज़्यादा बोलूँ, शायद 1 घंटे में उसी रात में कर दिया था. इसे शायद मुझे रात को 7 बजे फ़ोन करा और जैसा मैंने कहा कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, आई थिंक हम अगस्त के एंड में थे ऑलरेडी, सितंबर इसका इंटेक था, बल्कि हम एक डेडलाइन भी मिस कर चुके थे. हमें पहले याद है 14 अगस्त तक भेजना था, 14 अगस्त तक भेजना, तो हमने वहाँ से एक्सटेंशन लिया था मेल यूनिवर्सिटी से, और हमने उनको भी ये इंश्योर करा. आई थिंक जो अमन ने बोला कि क्यों यूनिवर्सिटी भी हमारी सुनती है, कि मैंने डायरेक्टली उनको इसके सारे कागज़ भेज दिए. मगर देखो जी, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छी फैमिली से है, ये 2 महीने से सारे फंड लेके बैठा हुआ है. और क्रैनफील्ड इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, उसका 32 लाख फीस है. तो मैंने उनको वो FD भेजी कि 60 लाख रुपए हम लेके तैयार बैठे हैं सर, ही इज़ ए सुपर प्रीमियम स्टूडेंट फ्रॉम अ सुपर प्रीमियम फैमिली, आप दीजिए. अब एक्सटेंशन भी ला, लेकिन हमने तरफ से ये करा कि जिस शाम कैश लिंक आया 2 घंटे में चढ़ाया, फिर जिस दिन कैश लेटर आया 2 घंटे में वीज़ा हमने फाइल कर दिया. मतलब ये अगले दिन सुबह मेरे पास आया, मैं कहा मेरे सारे कागज़ तेरे बेटा रेडी है, सिर्फ तू डेबिट कर लिया जो, क्योंकि 3 बार पैसे कटे. पहले इंश्योरेंस के, फिर नॉर्मल फीस आ गई, और फिर हमने प्रायोरिटी ले लिया था 5 दिन वाला.
हमें सुपर प्रायोरिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ी नहीं। और वो भी इतनी जल्दी आ गया कि इसको जाना 24 सितंबर को है, आज तो 13 ही है और हमारे हाथ में पासपोर्ट है, सारा काम हो चुका है और बल्कि इसके बाद सब 15 दिन का 14 दिन का टाइम है प्लान करने का। फर्स्ट को हमने बायोमेट्रिक्स करा था हाँ। और 6 को ही आ गया था, देखा जाए तो हाथ में हमारे लेकिन पासपोर्ट कल आया है पासपोर्ट ठीक है। सो दिस इज एक बार दिखा दे अपना वीज़ा सबको एंड आई थिंक दिस इज़ द जर्नी। ये मेरा वीज़ा सर ने बिल्कुल हेल्प करी है और ये हाथ में आते ऐसा लग रहा था कि मतलब वाओ अब हो गया फाइनली। ओके सो थैंक्स अमन फॉर योर सपोर्ट एंड बस आप लोगों को यही बताना था कि अच्छा काम हो सकता है अगर आप प्लानिंग और ऑनेस्टी के साथ चलें। हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।